आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर और फिरोजाबाद के पूर्व सांसद अक्षय यादव के निर्देशन में समाजवादी पार्टी द्वारा जनपद में विधानसभा स्तर पर झंडा लगाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान MLC डॉक्टर दिलीप यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता और आम जनमानस अपने समर्थन के साथ झंडा लगाओ अभियान में भाग लेने आया। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में चुनावी दौर को मानते हुए सब जगह अपनी बात कह रही है। हमेशा इसने विकास किया, विकास करने का वादा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस समय इस विधानसभा के पीरियड में, जो 17 से 22 का पीरियड है, कोई विकास का काम नहीं किया। हमेशा किसानों को परेशान किया, नौजवानों को परेशान किया, महिलाओं को परेशान किया, छात्रों को परेशान किया, बेरोजगारी दी इन्होंने और किसानों के ऊपर इतना अत्याचार किया कि गाड़ी से तक इनके सरकार के लोगों ने कुचलने का काम किया। 700 लोग वहाँ मारे गए, उनको मुआवजा तक कुछ नहीं दिया। और किसानों के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र, उद्योगपतियों के कहने पर जो बेचारों को धरना देना पड़ा, सभी किसान लोगों को नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली के बॉर्डर पर, और एक साल से ज़्यादा धरना चला, अंत में सरकार को झुकना पड़ा। तो मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी फैलाई, महंगाई बढ़ाई, नौजवानों को सड़क पर लाने का काम किया और पेट्रोल की कीमत 100 रुपये क्रॉस कर रही है, रसोई गैस की कीमत 1000 रुपये हो गई है। लिहाजा हालत इतनी खराब है, डेंगू ने मार दिया, कोरोना ने मार दिया, पूरी तरह से आदमी इस समय सड़क पर है। समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से लोगों का सम्मान हमेशा किया है, विकास का काम किया है। जब 17 तक सरकार थी उस समय लैपटॉप देने का बच्चों को काम किया था, समाजवादी पेंशन दी थी, 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर ये चलाई थी जनहित में। और इसके साथ साथ एक्सप्रेस वे इतना बड़ा बनवाया था, लोहिया ग्राम योजना के तहत विकास कराया था, जयसुर मिश्रा ग्राम योजना के तहत विकास कराया था, समाजवादी पेंशन दे के लोगों को सम्मान देने का काम किया था। सैकड़ों योजना ऐसी थी जो समाजवादी सरकार में लागू थी। प्रदेश में साइकिल की रफ्तार आगे है और चाचा भतीजे एक और है, जबरदस्त आगे है, और जन जन की भावना समाजवादी के साथ है। झंडा लगाओ अभियान हमारा 22 से शुरू हुआ है, पूरी गुनाऊ की सभी ठारों पर लगाएंगे, नवा शासक में लगाएंगे, खास गुनाऊ में जाएंगे, सब जगह हम लोग जा रहे हैं। और बासदेवपुर जाएंगे तो हम लोग जा जा करके झंडा लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये निवेदन कर रहे हैं कि आगे समय आने वाला है, हम लोग कितनी ताकत लगा ले, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, केवल वोट का हथियार है। तो एक वाल्मीकि का वोट, एक सविता का वोट, एक कुशवाहा का वोट, एक लोधी का वोट और हमारे यादव का वोट बराबर कीमत रखता है, अम्बानी का वोट बराबर कीमत रखता है। सरकार वोट पहचानती है, उद्योगपतियों की सरकार है, वाल्मीकि का, सविता का, कुशवाहा का, यादव का और किसी गांव के किसान का वोट नहीं पहचानती। इसीलिए हम लोगों ने ठाना है, समाजवादी ने ठाना है, हर हालत में वोट पहले देंगे, बाद में खाना बनाएंगे, बाद में खाना खाएंगे, वोट देंगे और वोट से ही सरकार को भगाने का काम। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज़ पढ़ने के लिए KIA न्यूज़ ऐप डाउनलोड कीजिए।